का केक मंगाया गया जिसको काट कर आज यहाँ से जश्न की शुरुआत होगी। और मुंबई में पूरे महाराष्ट्र में कुछ अलग ही जोश रहता है बाबा साहेब की जयंती को लेकर। हालांकि देश भर में दुनिया भर में बाबा साहेब की जयंती को मनाया जाता है लेकिन महाराष्ट्र में इसका रंग कुछ अलग ही होता है। और यहाँ से जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से लोग खुशी के साथ बाबा साहेब की जयंती को मना रहे हैं, हालांकि कल जयंती है लेकिन एक रात पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। जय ही ऐप की तरफ से ये पूरा जो आयोजन है वो किया गया क्योंकि जिस जो सीईओ है गिरीश वानखेड़े उनके देख रेख में ये पूरा आयोजन हुआ है। और इस आयोजन के जरिए एक रात पहले ही यह आगाज हो चुका है कि दो सालों से जो भीम जयंती नहीं मना पाए थे लोग कोविड की वजह से, वो दो सालों की कसर इस बार वो निकालने वाले हैं। किस तरीके से दो साल जो जयंती नहीं मनी, जो सन्नाटा रहा लोगों के मन में, जो उदासी रही, वो दो सालों के बाद जब उन्हें मौका मिला है तो किस तरीके से कितनी खुशी और कितने उल्लास के साथ वो जयंती वो मनाने वाले हैं। संता की राह दिखाई जो तूने है उन पे चलना है वो मेरे सपने को बढ़ाने में तुम्हारा बनना बन भारत के निर्माता है लेके तुम जाता है चारों दिशा में जगा दे हर्षदीप कामले सर हैं। सर, एक दिन पहले ही, एक रात पहले ही आप लोगों ने जो ये भव्य आयोजन किया, बाबा साहेब का जन्मदिन एक विशेष तरीके से मनाया, दो सालों तक सन्नाटा रहा, नहीं मना पाए, उसकी कमी पूरी कर रहे हैं आप लोग? यस, हमारे लिए बाबा साहब का जन्मदिन जो है यह बहुत खुशी का मौका रहता है। उनको हम हमारे आदर्श मानते हैं और बाबा साहब ने जो इस देश के लिए किया है हम वो भूले नहीं है। और इस हमारे आदर्श की उनकी ये 131वीं जयंती का और उत्सव जो ये जयंती जल्लोष जो है ये बड़ी धूमधाम से यहाँ पे मनाया जा रहा है। कोरोना में दो साल हमें कुछ ये मनाने का मौका नहीं मिला तो आप ये देख रहे हैं कि इतने हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर इस जयंती का जल्लोष जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती को मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और आपने देखा कि कितना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, सबके दिलों की इच्छा जो थी वो यहाँ पर सामने आपको देखने को मिली। यहाँ वर्ली बीडीडी चाल को ऐतिहासिक महत्व है, वहाँ के लोगों ने आके इसको जो इतना खूबसूरत और बहुत सक्सेसफुल किया, इसलिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और सबको इस जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम। जय भीम। सर, ऐप भी है, उस ऐप के बारे में भी आपने कहा कि किस तरीके से आप ये उम्मीद करते हैं कि जब बाबा साहेब की 150वीं जयंती मनाई जाए तो ये ऐप भी लोगों के घर घर तक पहुँचाओ। यस, ये प्रोग्राम जो है ये यहाँ पर जो भीमोत्सव समन्वय समिति वरली इनकी तरफ से हुआ है, लेकिन ये पूरे प्रोग्राम का स्पॉन्सरशिप जो है इट इज़ पावर्ड बाय जय भीम ऐप। और ये जय भीम ऐप जो है ये अभी पूरे भारत देश में पहुंच गया है और बहुत ही कम समय में काफ़ी सारे डाउनलोड्स इसके हुए। मुझे लगता है कि युवा वर्ग में ये जो बहुत पॉपुलर हुआ है, इसमें ना सिर्फ एंटरटेनमेंट
एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप भी शामिल है, उसका फायदा पूरे नौजवानों को होगा। और जब 150वीं जयंती आएगी तो ये इसका पूरे दुनिया में ये जयभीम ऐप तब तक बहुत फेमस होके हमारा अपना मीडिया और अपनी ताकत बन जाएगी। थैंक यू सो मच सर। ऐसा लग रहा है आपने दो साल की कसर निकाल दी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है और आज हम मना रहे हैं वर्ली के इस मैदान में 121वां बर्थडे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, 131 किलो का केक और उसके पहले का सेलिब्रेशन बहुत बड़ा हुआ है, बहुत खुशी हुई है, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, आपको गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, कह सकते हैं और चिल्ला के कह सकते हैं कि जय भीम जय भीम। लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि दो सालों से जो सन्नाटा था वो सन्नाटा उल्लास बता रहा है कि दो साल लोगों ने कितना मिस किया। यस, बहुत बड़ा साल होगा हमारे लिए क्योंकि दो साल के कोविड के बाद सारे रुके हुए थे, अब जैसा मौका मिला है सारे लोग बाहर निकले हैं और ये जो जोश जल्लोश का हमने आयोजन किया है ये 13 तारीख से चालू किया है। इस साल की जयंती बहुत भव्य और बहुत बड़ी होगी और हम समझते हैं कि पूरी दुनिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस जयंती को मनाएगा। जय भीम ऐप की लॉन्चिंग जितनी शानदार थी मुझे लगता है ये दूसरी लॉन्चिंग से कम नहीं है। ये भी शानदार ही है, हम लोगों के सारे इवेंट्स बड़े हुए हैं, लॉन्चिंग 26 जनवरी को बहुत शानदार थी और ये बर्थडे सेलिब्रेशन भी बहुत बड़ा है, बड़ी खुशी हो रही है कि लोगों ने हमको इतना प्रतिसाद दिया। थैंक यू सो मच सर।